गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये आपकी हनी ड्यू बुक का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए पहले छोटे बच्चों को बड़ा ही शौक होता है अपनी जो बुक होती है, नई नई बुक्स होती है उनको देखने का, तो मैं आपकी बुक दिखा देती हूँ और दिखा देती हूँ कि आप अगर पढ़ना चाहें तो अपनी एनसीईआरटी के इस चैप्टर को साथ के साथ रीड कर सकते हैं और साथ के साथ अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास जो वर्कशीट्स है वो नहीं है। तो चलिए, ये है आपकी, देखिए ये आपकी हनीडू बुक है, देख सकते हैं आप इसको। और इसका जो ये सेकेंड चैप्टर है द सुनामी, ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो सुनामी है क्या होता है, पहली बात तो सुनामी सुनामी होता क्या है हमें ये समझना है। ठीक है, इस वर्कशीट में सुनामी क्या होता है, जब पानी के नीचे भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। आपने देखा है ना दिल्ली में कई बार ऐसे झटके से आते हैं, है ना, हिलते हो आप लोग। ठीक है, तो वही भूकंप होता है, जब ये पानी के नीचे आता है तो ये क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। और जब ये पानी के नीचे आता है ना, बहुत लंबी लहरें उठती हैं और जो आसपास का जितना भी एरिया होता है उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। बहुत सारे लोगों की, जानवरों की, प्रॉपर्टी की, एक तरह से लॉस होता है इस सुनामी के दौरान। तो इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से जब 2004 में सुनामी आया था तो लोगों ने अपना बचाव किया और क्या क्या लॉस हुआ था और लोगों को किस किस स्थिति से गुजरना पड़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें अपना चैप्टर, अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को करना। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ नई नई चीजें, नए नए वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठना है। ठीक है, अब जो भी आप फेयर कॉपी ले रखी है तो उसके साइड में एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लगा के जो वर्ड मीनिंग्स मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ उसको लिखते हुए चलोगे। उससे होगा क्या कि ये देखो, हमारी, आप लोग कहते हो कि मैम इंग्लिश सिखा दो, इंग्लिश कहाँ से आती है, इंग्लिश वर्ड्स से बनी हुई है। ठीक है ना, तो आपको वर्ड्स की हिंदी पता होगी तो आपको पता होगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है, तो आप यूज कर पाओगे और आपको चीजें ज्यादा याद नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ लेसन सुनामी। ठीक है, पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाता है ना आपको, पीरियड्स में भी जब आप क्लास में होते हो। तो चलिए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होता है कि जो प्रकृति होती है ना, प्रकृति के द्वारा जो डिजास्टर होता है यानी कि बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, वो नेचुरल डिजास्टर कहलाते हैं। लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स। आपको आज से 4-5 मंथ्स पहले की न्यूज देखनी है और उनके प्लेसेस के नाम लिखने हैं जहां जहां पे नेचुरल डिजास्टर हुआ था। तो अर्थक्वेक की बात की जाए तो भाई दिल्ली में आते ही रहते हैं, है ना, दिल्ली में, हम तो दिल्ली में ही लिख देते हैं। फ्लड की बात की जाए तो कहां पर आया था, हमारा तेलंगाना। अभी रिसेंटली एक जगह पे और बिल्कुल रिसेंटली आया था फ्लड, तो आप वहां का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड आपके उत्तराखंड में होते रहते हैं, उत्तराखंड लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको दिख जाए उत्तराखंड। फिर साइक्लोन आपका आया था तमिलनाडु में और केरला में, तमिलनाडु या केरला को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने केरला लिख दिया है यहाँ पे। अब चलते हैं, इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हो, एक अनदर नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है उसका, सुनामी। और ये सुनामी कब आया था, ये आया था 26 दिसंबर 2004 में। ए सुनामी हिट पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको नाम बताना है, तो ए पार्ट का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, ये पूरा लिखेंगे, तमिलनाडु साथ में लिखना है जैसे लिखा हुआ है। एंड बी पार्ट हमारा आ जाएगा अंडमान। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द सुनामी कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ह्यूज डिस्ट्रक्शन मतलब कि बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी थी सुनामी ने। ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ मतलब लोगों की जानें गई थी और सिर्फ लोगों के ही नहीं, जानवर पशु जो भी हैं उनकी, और प्रॉपर्टी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज, यहाँ पे कुछ स्टोरी है किसकी, बहादुरी की,
ठीक है, और जिस तरीके से लोगों ने सरवाइव किया था। आप क्या है, मैंने बताया है ना कि अपनी जो कॉपी है उसके साइड में एक लाइन लगाएंगे, और जो जो वर्ड्स मैं हिंदी में लिख रही हूँ वह आप साथ के साथ लिखते जाएंगे, ताकि आपको जब आप पेपर दो तो आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आए। ठीक है, तो कौन सी बुक है आपकी? हनी ड्यू बुक है, जो कि मैंने आपको दिखा दी है शुरुआत में। दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको जो मुश्किल शब्द होते हैं उनको कैसे याद करना है, शब्दों को तोड़ के। आर्की आर्की हो गया, पे लेगो, आर्की पे लेगो, ठीक है। तो इस तरीके से आर्की पे लेगो, ठीक है ना, इस तरीके से याद करेंगे इसको। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्निशियस क्या होते हैं? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर होते हैं। हिज वॉइक वॉक जो इस हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM, जो उनकी वाइफ होती है उनको जगाना, ठीक है, जगाना, जगाती है कितने बजे? 6 बजे सुबह। बिकॉज क्यों जगाते हैं? बिकॉज मतलब क्योंकि शी फेल्ट, उसको फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन द ग्राउंड सो दैट इट वुड, मतलब जो उसने टेबल से क्या किया, टीवी को उतार के नीचे रख दिया ताकि वो गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। रश्ड आउट का मतलब बाहर जाना, बाहर भागना, बाहर जाना, ठीक है। वेन द ट्रेमर्स, ट्रेमर्स क्या होते हैं? यानी कि झटके आना, हल्के हल्के से झटके आना। स्टॉप, जब झटके क्या हुए, बंद हो गए। दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने क्या देखा, जो समुंदर है उसकी जो लहरें हैं बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इन द क्याओस, क्याओस एंड कंफ्यूजन, यानी कि हड़बड़ी में और कंफ्यूजन में, मतलब वो मतलब कंफ्यूज थे कि क्या करना है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर, मदर्स फादर, ठीक है, जो उनकी मदर के फादर यानी कि उनके नाना, एंड मदर्स ब्रदर, उनके मामा, अपने मामा और अपने नाना का क्या करते हैं, हैंड पकड़ लेते हैं, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में वो दौड़ दौड़े हुए चले जाते हैं। ही नेवर, नेवर का मतलब तो कभी भी, ही नेवर सा देम अगेन, तो उन्होंने मतलब उनको कभी मतलब नहीं देखा उन्होंने। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी जो वाइफ थी वो भी बह गई थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव, जो उसके साथ 3 बच्चे आए ना, सिर्फ वही बच पाए, बाकी जो उनकी वाइफ थी और उनकी वाइफ के पापा या उनकी वाइफ के जो बच्चों के जो मामा थे वो भी, उनको कभी नहीं देखा गया, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं देखा। सिर्फ जो उनके साथ 3 बच्चे आए थे सिर्फ उन्हीं को इग्निशियस क्या कर सके, बचा सके। अब चलते हैं एक और स्टोरी की बात, स्टोरी के बारे में बात करते हैं, संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव क्या था, पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कच्छाल आइलैंड। कच्छाल आइलैंड, आइलैंड क्या होता है मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो पहले एक बार हम आइलैंड को देख लेते हैं। आइलैंड एक ऐसी जगह होती है बच्चा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड मुझे देंगे, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, आइलैंड की पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, जैसे ये क्या है, ये जो होगी एक आइलैंड, ये हो गया एक आइलैंड, ये हो गया एक आइलैंड, ये हो गया। तो लोग ऐसी जगहों पे रहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रहते नहीं है, लोग ऐसी जगहों पे रहते भी हैं, ठीक है। अगर आप मालदीव की बात करें तो ऐसा ही है। अब ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जब बहुत सारे आइलैंड एक साथ होते हैं, मतलब पानी में ही तैर रहे होते हैं एक साथ, एक तरह तैर नहीं रहे होते, मतलब ये आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, आर्किपेलागो, ठीक है, इनको आर्किपेलागो और जो एक है इसको आइलैंड, समझ में आ गया। अब आपको ये भी दिखा देती हूँ हमारे मैप में अंडेमान निकोबार कहाँ पर है। तो ये हमारा अंडेमान निकोबार है, ये रहा, अंडेमान में आई थी सुनामी यहाँ पे, और ये हमारा तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु कोस्ट पे हमारी सुनामी आई थी। तो अब आगे चैप्टर में चलते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पे पहुंचे हम, कि अब बात आ रही है किसकी, संजीव की। इग्निशियस की हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी जो फैमिली थी वो तो नहीं रही अब, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, अब संजीव की, पुलिसमैन जो है उसकी बात कर रहे हैं कि अब वो क्या करता है, वो किस तरीके से बचता है। द कछाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड ही somehow, मतलब कैसे करके, जैसे तैसे करके मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, जैसे तैसे करके वो somehow, मतलब जैसे तैसे कैसे भी, ठीक है, सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी, ठीक है। ही somehow मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को तो उसने बचा लिया, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, ठीक है। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर द हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जोन गेस्ट हाउस कुक, जो उसके जो गेस्ट हाउस कुक था उसकी वाइफ की, उसको आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की। संजीव जंप्ड इनटू द वॉटर टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, ठीक है। हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट, लेकिन दोनों के दोनों क्या हुआ, वो बह गए। अब बात करते हैं मेघना की, जो
जो कि 13 साल की थी, 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, ठीक है, वो भी बह गई अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 other पीपल्स। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन स्पेंड किए क्या सी में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक वुडन का डोर था उसको उसके ऊपर वो तैर रही थी। 11 times उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा, ठीक है, ओवरहर्ड बट मतलब सुनाई दिया उसको, बट दे डिडंट सी हर, उसने उनको मतलब जो हेलीकॉप्टर था उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय द वेव, लहर लहरों से ही झूलते झूलते वो कहाँ तक पहुंच गई, किनारे तक, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेस। मतलब एक होता है ना कि होश में नहीं होता है बच्चा और ऐसे ही चल रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वो शोक में थी, बहुत ज्यादा शोक में थी, तो वो क्या करती थी, किनारे पे चल रही थी, उसको पाया गया था वहां पे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मेघना स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने क्या देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। देन संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ, ठीक है, एंड हिज बेबी डॉटर, ठीक है, बेबी यहाँ पे आ जाएगा, बेबी, और यहाँ पे लिख देंगे डॉटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज 3 other चिल्ड्रन, ठीक है, हु केम विद हिम, जो उसके साथ आए थे। अब चलते हैं, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, इनमें से कौन सा वर्ड संजीव को डिस्क्राइब कर रहा है आपको डिक्शनरी में देखना है। दैट वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, जो आपको नहीं पता है। तो चलिए, चीयरफुल होता है बहुत खुश रहने वाला, तो ब्रेव होता है बहादुर, केयरलेस होता है बेपरवाह, हीरोइक होता है जो मतलब हीरो वाला काम करे, किसी को बचाने का काम करे, ठीक है। सेल्फलेस होता है कि अपने बारे में ना सोच के दूसरे की मदद करे। हार्टलेस होता है कि बिल्कुल निर्दयी, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है। आई थिंक दैट ही वॉज अ वेरी ब्रेव, तो ब्रेव तो इन्होंने लिख ही दिया है। देन बात कर सकते हैं हीरोइक, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हीरोइक, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फलेस, क्योंकि तभी तो वो बेचारा खुद डूब गया, लेकिन उसने जो कुक है और उसकी वाइफ को बचाने की कोशिश की, ठीक है ना, और उस चक्कर में वो खुद ही मर जाता है। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, ठीक है, इन इटैलिक फ्रॉम द अबव पैसेज एंड री राइट द फ्रेज। तो फील द अर्थक्वेक, फील की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ट होती है, ठीक है। सी द सी राइजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे सा द सी राइजिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे जंप का क्या आ जाएगा, जंप्ड इनटू, जंप्ड, ठीक है। कम विद हिम, तो केम विद हिम, यहाँ पे केम आ जाएगा। वेक हिम अप, वॉक हिम अप, तो ये इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। बच्चों, अगर आपको वर्कशीट में से कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, ओके। तो ये आप लोगों को क्या क्या करना है, जो नए वर्ड्स मैंने बताए हैं वो आपको मुझे याद करके बताने हैं, जब हम क्विज लेंगे तो हम आपसे सुनेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो मेघना थी, ठीक है, मेघना ने कितनी बार हेलीकॉप्टर को देखा था, मेघना जो थी उसने हेलीकॉप्टर को कितनी बार देखा था, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। बच्चों, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि जो भी लाइव सेशन हम ले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जूम एजुकेशन लाइव पे हम लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है, ये मेरे बारे में लिखा हुआ है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।